हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने रविंद्रनाथ जी टैगोर की फेमस ओड ब्रिजी अप्रैल की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। लेट अस स्टार्ट द ओड ब्रिजी अप्रैल। इस ओड के अंदर रविंद्रनाथ जी टैगोर ने हमारे सामने वर्ल्ड पिक्चर्स की एक सीरीज प्रेजेंट की है, जिसमें उन्होंने अप्रैल की ब्रीज, अप्रैल की हवा को एक मदर के रूप में, एक फेरी के रूप में, इसे स्प्रिट ऑफ स्प्रिंग के रूप में और एक लवर के रूप में दिखाया है। और यहाँ पर रविंद्रनाथ जी टैगोर जब पोएम की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने एज ए ट्री एक इमेजरी देते हैं। ये जो ट्री की इमेजरी है, ये हमें माइंड में रखनी है। वो कहते हैं ब्रीजी अप्रैल, वैग्रेंट अप्रैल। ब्रीजी मतलब हवाओं से भरी हुई, वैग्रेंट होती है आवारा, आवारा हवाओं से भरी हुई अप्रैल। रोक मी इन योर स्विंग ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ इस लाइन में हमारे सामने एक मदर की इमेजरी है, जो कि अपने बच्चे को लोरी देकर सुला रही है। नेक्स्ट लाइन में हमारे सामने वो एक फेरी की इमेजरी देते हैं और वो कहते हैं कि जो ट्री है वो अप्रैल ब्रिज को एक फेरी लाइक चार्मर के रूप में देखता है, जो कि थ्रिल माई ब्रांचेस विद एंटेंटमेंट, जो कि पेड़ की ब्रांचेस को अपने एंटेंटमेंट मतलब अपने जादू से थ्रिल कर देती है। वो इसके टच को स्वीट सरप्राइज समझता है। ऑफ योर टच ऑफ स्वीट सरप्राइज, यानी कि जो ट्री है वो अप्रैल ब्रिज के लिए लॉन्च करता है। सेकंड स्टेंजा में हम एक इमेजरी देखते हैं कि पेड़ सड़क के किनारे खड़े हुए जीवित प्राणी के रूप में हमें दिखाई देता है और वो एक आइडल ड्रीम देख रहा है। इन माय आइडल ड्रीम, आइडल ड्रीम मतलब बहुत लंबे समय से एक सपना देख रहा है, क्योंकि आपको पता है विंटर में पेड़ जो हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं। अप्रैल ब्रीज, या जिसे हम जीफर भी कहते हैं, ये स्प्रिंग की हार्बिंजर है। यही पेड़ में आकर सारी लाइफ फोर्सेस को एक्टिवेट करती है। वो कहता है यू कम स्टार्टलिंग मी फ्रॉम स्लम्बर। स्लम्बर होता है नींद, स्टार्टलिंग मतलब होता है डराना, कि तुम मुझे नींद से डरा कर जगा देती हो। अब इसके बाद में रविंद्रनाथ जी एक लवर की इमेजरी देते हैं और ये इमेजरी थ्रू आउट दी पोएम चलती है। अप्रैल ब्रिज स्प्रिट ऑफ स्प्रिंग है, जो कि ग्रोथ और न्यू लाइफ का सीजन शुरू करती है। अब जो ट्री है वो अप्रैल ब्रिज को एक विम्सिकल, एक सनकी लवर के रूप में देखता है। विल फील इन योर मूड फैंटास्टिक, टीज मी विद इनकंसिस्टेंट कोटिंग। अब वो कहता है कि ये एक विम्सिकल, एक सनकी लवर है, जब इसका मूड होता है तो ये कोट करता है, नहीं तो ये इनकंसिस्टेंट कोटिंग करता है। इनकंसिस्टेंट मतलब लगातार ये बिलविड को पाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि एक सनकी लवर है, ये उसे टीज करता है, ये उसे उसका मजाक उड़ाता है, उसका फन उड़ाता है। नेक्स्ट स्टेंजा में ब्रीजी अप्रैल, वैग्रेंट अप्रैल, आई लिव विद माय लोनसम शैडोज। ये जो पेड़ है ये एक लोनली लाइफ जीता है, एक अकेला जीवन जीता है, जिस जीवन में इसकी साथी केवल इसकी परछाई होती है। यानी कि आई लिव विद माई लोनसम शैडोज, मैं अपनी अकेला अपनी परछाइयों के साथ जीता हूं। आई नो ऑल योर फिटफुल फैंसीज। ये ट्री अप्रैल ब्रीज से अच्छी तरह परिचित है और इसके बदलते हुए मूड, यानी कि फिटफुल फैंसीज से भी अच्छी तरह परिचित है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सारे बदलते हुए मूड को अच्छी तरह जानता हूं। लैंग्वेज ऑफ योर फ्लिटिंग फुटस्टेप्स,
फ्लिटिंग को हम कह सकते हैं बिना आवाज के चलना। तो आपको पता है हवा के चलने से कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पेड़ की पत्तियों से हवाएं जब गुजरती हैं तो एक जेंटल साउंड निकलती है, इसे ही लीफी लैंग्वेज कहा गया है। इसके बाद में यानी कि हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि एप्पल ब्रीज को एक बार दोबारा निम्बल फुटेड स्प्रिट के रूप में परसोनीफाई किया गया है। वो कहता है ऑल माई सीक्रेट ब्रश इन ब्लॉसम्स एट योर पासिंग ब्रेथ ऑफ विस्पर, कि तुम्हारे आने पर जब तुम गुजरती हो मेरे पास से, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, जब तुम मेरे पास से फुसफुसाकर गुजरती हो तो मेरे जितने भी फूल हैं वो खिल पड़ते हैं। अब हमारे सामने एक और इमेज आती है, हम कह सकते हैं कि एक बिलविड है जो अपने लवर की किसी प्यारी सी बात पर शर्माती है। एंड माई न्यू लीव्स ब्रेक इन ट्यूमलेट ऑफ सरेंडर ऑफ देयर किसेस। यहां पर वो कहते हैं कि हवाओं के झोंकों से जो पत्तियां तेजी से हिलती हैं, इसे ही ट्यूमलेट यानी कोलाहल कहा गया है, कंफ्यूजन कहा गया है, और जो पेड़ है वो ब्रीज के जेंटल लविंग टच के सामने सरेंडर कर देता है। एप्पल ब्रीज को रविंद्रनाथ जी टैगोर ने मदर, फेरी स्प्रिट ऑफ स्प्रिंग और लवर के रूप में परसोनीफाई किया है। टैगोर नेचर के साथ वननेस की अपनी कैपेसिटी को दिखाते हैं, वो अपने आप को एक ट्री के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं और स्प्रिंग की ब्यूटी और लविंग क्रिएचर फॉर्म के प्रति अवेयर हो जाते हैं। इसी तरह की इमेजेस को जॉन कीट्स ने भी ओ टू ऑटम में दिखाया था, जिसके अंदर उन्होंने थ्रेशर, रीपर, ग्लीनर और सिडल प्रेस पर बैठी हुई मेडिन के रूप में बताया था। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।